एक बार की बात है, एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काटने गया था। लकड़हारे को लकड़ी काटते काटते काफी देर हो जाती है। आज तो लकड़ी काटते काटते काफी देर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। रात हो गई है, घर चलता हूँ। ऐसा कहकर लकड़हारा लकड़ियां उठाकर घर की ओर जाता है, लेकिन तभी उसे जंगल में से एक तेज रोशनी आती हुई दिखती है। लकड़हारा रोशनी देखकर हैरान हो जाता है। इतने घने जंगल में इतनी तेज रोशनी, चलकर देखता हूँ क्या बात है। ऐसा कहकर लकड़हारा रोशनी की दिशा में जाता है। जैसे ही वो कुछ दूर जाता है, उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी की हवेली दिखाई देती है। लकड़हारा उस हवेली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे, इतनी बड़ी हवेली, वो भी इस जंगल में। अंदर चलकर देखता हूँ, अगर ये सोना मुझे मिल गया तो मैं इस देश का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। लकड़हारा ऐसा कहकर बिना कुछ सोचे समझे उस हवेली में घुस जाता है। हवेली के अंदर सब कुछ सोने का होता है, जहाँ भी नजर उठाओ सोना ही सोना होता है। आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई है, इतना सोना देखकर मजा ही आ गया। ऐसा कहकर लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो पूरी सोने की बनी होती है। लड़की हंसते हुए बोलती है, उठा लो लकड़हारे, जो तुम्हें चाहिए ये सब तुम्हारा ही है। ऐसा सुनते ही लकड़हारा वहाँ पड़ा सोना उठाने लग जाता है, लेकिन लालच में वो इतना सोना उठा लेता है कि वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर वो सुनहरी लड़की उसके पास आती है और एक चुड़ैल में बदल जाती है। तू ये सोना नहीं ले जा पाया, इसलिए अब तू यहीं रहेगा मेरे पास। चुड़ैल की बात सुनकर लकड़हारा डर जाता है और बोलता है, हाँ, मुझे मुझे जाने दो, मैं दोबारा लालच नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, तू अब मेरे पास ही रहेगा लालची इंसान, एक मूर्ति बनकर। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे अपने जादू से एक मूर्ति बना देती है। अगली सुबह जब लकड़हारा अपने घर नहीं पहुंचता, तो उसकी पत्नी मालती बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है, और उसका रोना देखकर गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ये मेरा मर्द न जाने कहां चला गया है, रात से घर नहीं लौटा है, गांव वालों मेरी मदद करो। मालती का रोना सुनकर वहां खड़ा दूध वाला बंसी बोलता है, अरे मालती भाभी, काहे को चिंता कर रही हैं? हमरे होते हुए हैं, आए चाहे ना आए, हम तो हैं ही, है ना? तुम चिंता ना करो, अगर आधी रात को भी बुलाओगी तो बंदा हाजिर है। बंसी की बात सुनकर मालती को और गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, नास मिटे, अभी झाड़ू में गोबर लगाकर मारूंगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी, आधी रात को हाजिर होगा, चल भाग यहाँ से। मालती की बात सुनकर बंसी चुप होकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ रामू आता है। रामू गांव का एक अच्छा और भला लड़का था। मालती का रोना सुनकर रामू बोलता है, आप चिंता ना करो मालती भाभी, हम लोग उनको ढूंढ कर ले आएंगे, आप चिंता ना करो। ऐसा कहकर रामू अपने दोस्तों अजय और विजय के साथ जंगल में लकड़हारे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको कोई दिखाई नहीं देता। अजय रामू से बोलता है, भैया रामू, मुझे लगता है ये नंदू लकड़हारा मालती भाभी से परेशान होकर घर छोड़कर कहीं चला गया है। हाँ, सही बात है, ये मालती भाभी चिल्लाती भी तो कितना है, फटे ढोल की तरह। अच्छे अच्छे आदमी के कान में से खून निकल जाए, वो तो नंदू है जो फिर भी झेल जाता है। फिर वो तीनों गांव वापस आ जाते हैं। उसी रात बंसी दूध वाला भी जंगल के रास्ते गांव की तरफ लौट रहा होता है। तभी उसे भी वही सोने की हवेली दिखाई देती है और वो भी उसके अंदर चला जाता है। अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की हवेली है,
और कोई रहता भी नहीं है। लगता है मेरे दूध निकालने के दिन गए, अब दूध पीने के दिन आ गए हैं। इतना सोना है यहाँ पर, रोज थोड़ा थोड़ा करके ले जाऊंगा गांव में। ऐसा कहकर बंसी वहाँ पड़ा सोने का सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, ले जाओ आप जितना सोना ले जा सकते हो, ये आपके लिए ही है, ले जाओ। बंसी सुनहरी लड़की की ओर देखता है और उसका मनचलापन जाग जाता है और वो सोचने लगता है, अरे वाह कितनी सुंदर लड़की है, शक्ल से तो ये इस खजाने की मालकिन लग रही है, क्यों ना इससे मैं शादी कर लूं, मुझे तो लड़की और सोना दोनों मिल जाएंगे। बंसी को यूं हंसते देखकर सुनहरी लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ बंसी जी, आप मेरे सपने ले रहे हैं क्या? लड़की की बात सुनकर मनचला बंसी हैरान रह जाता है और बोलता है, जी आपको कैसे पता? मेरा मतलब है, नहीं जी मैं तो ये सोच रहा हूँ ये सोना कैसे ले जाऊंगा, चलो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर बंसी खूब सारा सोना और सोने से बनी चीजें अपनी पीठ पर लाद लेता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है वो सोने के भार से गिर जाता है। तभी बंसी की नजर गिरे हुए सोने पर पड़ती है, सारा सोना गिरते ही मिट्टी बन जाता है। ये देखकर बंसी डर जाता है, लगता है ये सब कोई माया है और मैं इसमें फंस गया हूँ, इससे पहले मेरे साथ कुछ गलत हो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुनहरी लड़की बंसी को उठा लेती है और उठाकर हवेली में कैद कर देती है और मूर्ति बनाकर नंदू लकड़हारे के पास ही रख देती है। उसके बाद तो मानो ये रोज की बात हो गई थी। हर रात गांव का कोई न कोई आदमी गांव से गायब हो जाता, जिससे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन रामू अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, भाइयों अब तो ये रोज की बात हो गई है, गांव में से कोई न कोई रोज गायब हो रहा है, हमें कुछ करना होगा। बात तो सही है रामू भाई, वैसे तो हम हमेशा दिन में लोगों की तलाश करते हैं, जबकि लोग हमेशा रात में गायब हो रहे हैं, क्यों ना इस बार रात में लोगों को ढूंढा जाए। लगता है भाइयों गांव वाले इस जंगल से गायब नहीं हुए हैं, बल्कि अपनी पत्नियों से परेशान होकर अपना घर छोड़कर चले गए हैं। तभी अजय को दूर से हवेली चमकती हुई दिखाई देती है। हवेली देखकर अजय रामू और विजय से बोलता है, अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, देखो इस घने जंगल में इतनी जोर से क्या चमक रहा है। फिर वो तीनों सुनहरी हवेली की तरफ बढ़ जाते हैं और उसके पास पहुंचकर तीनों दंग रह जाते हैं। तीनों लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही तीनों के तीनों दोस्त हैरान रह जाते हैं, ओ तेरे की यार इतना सोना, बाप रे बाप यहाँ तो बहुत सोना है, मन कर रहा है सारा सोना लेकर यहाँ से भाग जाऊं। ये कैसी बातें कर रहे हो विजय, ये सोना हमारा नहीं है, हम इसे कैसे ले सकते हैं, लालच बुरी बला है, लालच मत करो। रामू की बात सुनकर अजय और विजय चुप हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही सुनहरी लड़की आ जाती है और बोलती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे पास तो आना होगा, पहले मेरे पास आओ। लड़की के बुलाने पर अजय उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर सुनहरी लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, तुम तीनों दोस्त अब मेरे चंगुल में फंस चुके हो, अब तुम तीनों यहाँ से नहीं भाग पाओगे, समझे, मैं तुम तीनों को नहीं मार सकती, तुम तीनों ही ईमानदार हो और तुम तीनों में कोई लालच भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं पर कैद करके रखूंगी। लेकिन तभी विजय वहीं पर रखे हुए एक आईने को तोड़ देता है। आईने के टूटते ही चुड़ैल का जादू खत्म होने लगता है, सुनहरी हवेली गायब हो जाती है और मूर्ति बने सारे गांव वाले जिंदा हो जाते हैं और चुड़ैल भी एक परी बन जाती है। मैं एक परी ही हूँ, एक साधु बाबा के श्राप के कारण चुड़ैल बन गई थी, उन्होंने कहा था जिस दिन कोई बिना लालच का इंसान आएगा मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर परी वहां से गायब। एक गांव में
रमा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। रमा पड़ोस के ही गांव में रहने वाली श्याम से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों अक्सर गांव के पास वाले जंगल में मिला करते थे। एक दिन रमा और श्याम जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। श्याम, हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है, जब देखो हंसी मजाक। अरे ये जिंदगी है, पता है मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। क्या सच में? ये तो वाकई चिंता की बात है, मैं जल्दी ही पिताजी से बात करता हूँ। हाँ 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 कर लो, नहीं तो मेरे लिए तो बहुत ऑप्शन है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ। नहीं तो रह जाओगे झुनझुना बजाते हुए। फिर रमा और श्याम की बातें ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ एक शैतान सुन रहा होता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद शैतान नीचे उतरता है और बोलता है, अरे वाह, इतनी सुंदर और गोरी लड़की है, बिल्कुल रसमलाई जैसी। वाह 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 वाह, इसे तो देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। लेकिन ये मनहूस लड़का कौन है, इसके साथ मुझे पता करना होगा। अगले दिन रमा और श्याम फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं और शैतान पेड़ के ऊपर से बैठकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तो कब आओगे श्याम पिताजी से बात करने के लिए? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं वो मेरी शादी किसी और से ना करवा दें। मेरी प्यारी रमा, तुम बहुत चिंता करती हो। अरे मेरे रहते तुम्हारी शादी किसी और से नहीं हो सकती, हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, तुम चिंता ना करो। फिर कुछ देर और बैठने के बाद रमा और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। शैतान पेड़ से नीचे उतरता है और सोचता है, अच्छा तो अब समझा, ये लड़का इस सुंदर लड़की से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, लेकिन इस लड़की से तो मैं शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब मुझे इन दोनों को अलग करना पड़ेगा ताकि मेरी शादी इस लड़की से हो सके। अगले दिन रमा और श्याम जंगल में बैठे होते हैं, तभी रमा को एक सोने का हिरण दिखता है। रमा श्याम को इशारा करके बोलती है, अरे श्याम वो देखो सोने का हिरण, कितना सुंदर है, इसको पकड़ो ना, मुझे ये हिरण ला कर दो। श्याम हिरण की ओर देखता है लेकिन उसे कोई हिरण दिखाई नहीं देता। श्याम रमा को बोलता है, कहाँ है हिरण रमा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा, कभी हिरण भी सोने का होता है। लेकिन तभी वही सोने का हिरण रमा को फिर से दिखाई देता है और एक झाड़ी के पीछे चला जाता है। तुम तो लगता है अंधे हो गए हो, उस झाड़ी के पीछे तो गया है, तुम जा रहे हो या मैं जाऊँ? बड़ा कहते थे तुम्हारे लिए तो चांद तारे ला दूंगा, एक हिरण तो पकड़ नहीं पाए। रमा को गुस्से में देख श्याम रमा को बोलता है, ओहो तुम्हें गुस्सा कितना आता है, मैं जाता हूँ और झाड़ियों के पीछे देख कर आता हूँ बस, लेकिन हाँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना, घना जंगल है और यहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं। फिर श्याम झाड़ियों के अंदर चला जाता है और उस सोने के हिरण को ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वो हिरण दिखाई नहीं देता। इन लड़कियों की बात ना मानो तो भी मरो, और गलती से अगर मान ली तो भी मरो, भला कहीं सोने का हिरण हो सकता है। तभी श्याम को वो हिरण भागते हुए दिखता है। श्याम हैरान रह जाता है और उसका पीछा करने लगता है। अरे ये तो सचमुच सोने का है, लेकिन ये यहाँ कैसे? फिर श्याम उस हिरण के चक्कर में जंगल में अंदर जाता रहता है। थोड़ी देर में वो हिरण उसकी आंखों से गायब हो जाता है। अरे ये हिरण कहाँ गया, और इस हिरण के चक्कर में मैं तो बहुत ही अंदर आ गया इस जंगल के, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? उधर श्याम जंगल के अंदर फंस जाता है। उधर श्याम का रूप बदल कर शैतान रमा के पास पहुँच जाता है। रमा श्याम को देखकर बोलती है, ये क्या हालत बना कर रखी है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें बुरी तरह पीटा हो, और वो सोने का हिरण कहाँ है? तुम भी ना रमा, मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो। अरे वो हिरण तो पता नहीं जंगल में कहाँ खो गया, बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए इतनी कोशिश की वही काफी है, चलो अब घर चलते हैं। फिर रमा और श्याम घर की ओर चले जाते हैं। गांव के बाहर पहुंचने पर रमा श्याम से बोलती है, श्याम बस अब तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम
घबराती बहुत हो, मेरे रहते किसी की इतनी हिम्मत नहीं, जान नहीं ले लूंगा उसकी। ये कैसी गुंडों वाली बातें कर रहे हो, चलो जाओ अपने घर। फिर रमा वहाँ से चली जाती है और शैतान भी अपने असली रूप में आ जाता है। ये लड़की तो बहुत ही तेज है, इतनी जल्दी से काबू में नहीं आएगी, मुझे ही डांट दिया। फिर वो शैतान रोज शाम के भेष में रमा से मिलता और फिर रात होने से पहले वहाँ से चला जाता। एक दिन रमा शाम से बोलती है, आज मैंने पिताजी से हम दोनों की शादी के लिए बात कर ली है, बस आज तुम आ जाना समय पर। फिर रमा के कहे अनुसार शैतान श्याम के वेश में रमा के घर चला जाता है। रमा के पिताजी रमा और श्याम रूपी शैतान की शादी कर देते हैं। उधर असली श्याम जंगल में भटकता रहता है और उसे जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। वो एक चट्टान पर सर रख कर रोने लगता है। ये मैं कहाँ फंस गया, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? पता नहीं मेरी रमा कैसी होगी, कहीं उसके पिताजी उसकी शादी कहीं और न कर दें। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। श्याम चट्टान पर सर रख कर रो रहा होता है, तभी वो चट्टान टूटने लगती है और उसमें से एक परी निकलती है। ये सब देख कर श्याम डर जाता है। परी श्याम के पास जाती है और श्याम से बोलती है, अरे श्याम घबराओ मत, मैं तो तुम्हारी वजह से इस कैद से आजाद हो गई हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ कैसे आए और कैसे फंसे, और तुम्हारी रमा कहाँ है इस समय। रमा का नाम सुनकर श्याम हैरान रह जाता है। वह परी से बोलता है, अरे आपको तो सचमुच मेरे बारे में सब कुछ पता है, बताओ ना मेरी रमा कहाँ है, कैसी है, और मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। तुम इस समय जंगल के बीचों बीच खड़े हो श्याम, और एक शैतान की बनाई हुई भूल भुलैया में फंस चुके हो, तुम यहाँ से अपने आप नहीं निकल सकते। भूल भुलैया, मैं कुछ समझा नहीं। फिर परी श्याम को सारी बात बताती है कि कैसे शैतान ने सोने के हिरण का रूप बदलकर उसे इस जंगल में फंसाया और कैसे धोखे से रमा से शादी कर ली। परी की सारी बात सुनकर श्याम परी से बोलता है, मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं परी जी, इसने मेरे और रमा दोनों के साथ धोखा किया है, मुझे आप इस जंगल से बाहर निकालो, बस देखता हूँ कितना बड़ा शैतान है ये। नहीं नहीं श्याम, गुस्से से नहीं होश से काम लो, ये बहुत ही ताकतवर शैतान है, तुम्हें इसे रात को ही मारना होगा, वो भी इसी जंगल में जिस पेड़ पर वो रहता है उसी के नीचे, नहीं तो वो कभी नहीं मरेगा। फिर परी श्याम को जंगल से बाहर निकाल देती है। श्याम जंगल से निकलकर रमा और उस शैतान के घर पर जाता है। शैतान उसके रूप में घर पर ही होता है, असली श्याम घर के अंदर झांकता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा है, मुझे सावधान रहना होगा। फिर शैतान के जाते ही असली श्याम घर के अंदर जाता है। रमा उसे देखकर बोलती है, क्या हुआ जी, शादी के बाद काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या, अभी बाहर गए और फिर से वापस आ गए। नहीं नहीं रमा, मैं असली श्याम हूँ, वो तो शैतान है, देखो मुझे और पहचानो, वो बहरूपिया है। रमा को श्याम की बात पर हंसी आ जाती है और वो श्याम से बोलती है, ये बात तो सही है, तुम शैतान तो पूरे हो और बहरूपिया भी। रमा को यूँ हंसते देख श्याम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रमा से बोलता है, रमा जरा मेरी बात गौर से सुनो, मैं असली श्याम हूँ और वो शैतान है जो मेरा रूप बदल कर तुम्हारे साथ रह रहा है। फिर श्याम रमा को जंगल में हुई सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो गया, इस शैतान ने धोखे से शादी कर ली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, श्याम कमरे में जाकर छुप जाता है। शैतान श्याम के वेश में आ जाता है। रमा शैतान को देखकर बोलती है, प्रीतम ना जाने मेरा मन क्यों हो रहा है, आज हम उसी जंगल में चलें जहां हम शादी से पहले मिला करते थे। बस इतनी सी बात, लो अभी चलते हैं। फिर रमा और शैतान जंगल की ओर जाते हैं। असली श्याम भी हाथों में तलवार लिए उनका पीछा करने लगता है। जंगल में ठीक उसी पेड़ के नीचे रमा और शैतान बैठ कर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है, तभी असली श्याम वहाँ आ जाता है। शैतान अब तो अपने असली रूप में आ जा, इतना धोखा देगा। श्याम को वहाँ देख शैतान सब समझ जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया, अब श्याम को मारकर रमा को मैं हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। लेकिन तभी श्याम तलवार से शैतान के पेट पर वार कर देता है और परी वहाँ प्रकट होकर शैतान के पेड़ को जला देती है।
पेड़ के जलते ही शैतान भी जलकर भस्म हो जाता है।